कुंद्रा मेंशन में आपका स्वागत तो बनता है, वो भी विन कुंद्रा के स्टाइल में। मिस्टर कुंद्रा, क्या पागलपन है ये? क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मुझे इंतजार करवाने की सजा दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं ना आपको पहले माले पे लेके चलता हूँ। क्या मास्टर, नहीं आप तो डर गई। और आपने तो मुझे बैलेंस करना सिखाया था, याद है ना? पहले बॉल पे, उसके बाद हील्स पे। मुझे लगा आपका बैलेंस बहुत तगड़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। अरे आइए ना, आपकी मदद कर रहा हूं मैं। आ जाइए आ जाइए। वो क्या है ना कि मुझे किसी महान टीचर ने सिखाया है कि जो गिरता है ना उसे खुद ब खुद उठना पड़ता है। सिर्फ 15 मिनट आपके पास, उसके बाद डांस क्लास शुरू। टाइम से आ जाइएगा। वो क्या है ना कि लेट आने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो डोंट बी लेट। ये विन कुंद्रा तो अपने घर में कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहा है। पहले मुझे बाइक से गिरा दिया और अब अंग्रेजी झाड़ रहा है। मैम, आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। मैम, ये आपका रूम है, अगर किसी चीज की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी, थैंक यू। बाप रे, इतना बड़ा कमरा, ये तो मेरे पूरे घर से भी बड़ा है। प्राची को फोन लगा के पूछती हूँ कि कहाँ चली गई है। ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी है, मेरा फोन तो कभी नहीं उठाएगी। अद्वित को फोन करके बोलती हूँ, वो ही पता लगाएगा। हाँ ताई, आप पहुंच गए ऊटी? ऊटी? हाँ अद्वित, वो मेरी फ्लाइट बस अभी लैंड हुई है तो मैंने सोचा मैं तुझे फोन कर लूँ। सब ठीक है ना वहाँ पर? ताई, तू यहाँ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। अच्छा अद्वित सुन, प्राची का कुछ पता चला? कोई खबर मिली उसकी? हाउस, हे भगवान, घर हो तो ऐसा। कहाँ मैं उस चौल में रहती थी, एक बार इस घर में मेरी एंट्री हो जाए फिर तो प्राची तेरी लाइफ तो सेट है बॉस। मैम, पानी? नो थैंक यू। राजवीर बाबा थोड़ी देर में नीचे आ रहे हैं, तब तक आप उनका इंतजार कर लीजिए। ओके। अद्वित, मैंने प्राची के सारे दोस्तों को फोन लगा लिया है लेकिन प्राची का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अब तू ही कुछ कर सकता है, प्लीज कैसे भी करके उसका पता लगा ना। हो ताई। बाबा को ना एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। वो वैसे ही अपनी हालत को लेकर इतना परेशान रहते और हमें ऐसे परेशानी में देख के ना बहुत दुखी हो जाते हैं वो, तो प्लीज तू बाबा का ख्याल रखना। और ऊपर से आज उस बेवकूफ प्राची ने ना बाबा को इतना भला बुरा सुना दिया। मुझे बाबा के लिए बहुत बुरा लग रहा, बहुत चिंता हो रही है उनकी। वही ना ताई, मैं भी बाबा को वही समझा रहा था कि उस प्राची की बातों पे ध्यान ना दे। मुझे इतना बुरा लग रहा है अद्वित, इस वक्त मुझे तुम सबके साथ बाबा के पास होना चाहिए था लेकिन मैं देखना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ की चिंता मत करो, मैं और आई सब संभाल लेंगे। अच्छा चल, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, फोन रखती हूँ।
15 मिनट बोलते थे मिस्टर कुंद्रा ने, 5 मिनट तो यही होगा। ये गार्डन किस तरफ है? आप खो गई हैं क्या? आप जी, वो मैं गार्डन ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सिद्धू मास्टर जी है ना, विन देवर जी की डांस टीचर जी? और आप? मैं उनकी भाभी हूँ, गौरी, मनवीर कुंद्रा की पत्नी। वो मुझे एक्चुअली में गार्डन जाना था, अगर आप बता देंगी तो। जी आइए ना जी। पता है जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना शादी होकर, तो मैं भी खो जाती थी। मुझे पूरे 4 दिन लगे ये याद रखने में कि किचन का रास्ता किधर है और मंदिर का रास्ता किधर। हमारे पिंड में तो यहाँ के कमरे से भी छोटा घर होता है। हाँ, मुझे भी यहाँ का गेस्ट रूम देख के ऐसे ही लगा था। आप और मैं तो क्या, विन देवर जी भी कई बार भटक जाया करते थे। कभी कभी तो वो अपने कमरे की बजाय हमारे कमरे की तरफ आ जाया करते थे। लेकिन मिस्टर कुंद्रा, वो कैसे भूल जाते हैं? आपको नहीं पता, देवर जी तो मेरे बहुत बाद में आए हैं इस घर में। वो तो 14 सालों से अपने ताऊजी के साथ ही रह रहे थे ना पिंड में। अच्छा, और उनकी फैमिली? देवर जी को छोड़ के बाकी सारा परिवार यही मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था। अच्छा, तो शायद इसीलिए मिस्टर कुंद्रा की इंग्लिश इतनी खराब है। हाँ, देवर जी की अंग्रेजी थोड़ी पैदल है, लेकिन बाकी सब भाइयों की अंग्रेजी बिल्कुल फराटेदार है। वैसे एक बात बोलूं जी, देवर जी की अंग्रेजी भले ही खराब हो, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। सही कहा आपने, दिल के बहुत साफ है मिस्टर कुंद्रा। काके, सिद्धू मास्टर जी का स्वागत तो तूने एकदम धमाकेदार, धुआंदार और घुमावदार कर दिया, मजे आ गए। लेकिन एक बात मानने की है काके, जवाबी हमला भी करा रहा था सिद्धू मास्टर जी ने, जंगली बिल्ली की तरह छाती पे पंजे मार दिए, देख तो सही। उस मास्टर ने को अंदाजा भी नहीं है कि इस बार उसने किससे पंगा लिया है, क्योंकि इस बार उसका पाला एक शेर से बड़ा है। ये शहर वाले बहुत गवार गवार बोलते हैं ना अपने को, भले ही मुझे अंग्रेजी ना आती हो, लेकिन लोगों का मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है, और उस मास्टर ने की बोलती तो मैं बंद करने वाला। ओ काके, की मैं करूंगा, तानू भी दस दे। समझ गया ना? आहो तो आओ, की जो बोला है उन चीजों का इंतजाम कर जाके गार्डन में। वेलकम 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 टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस मिस ईरानी। एक तो अपने घर बुलाते हो और ऊपर से इतना इंतजार भी करवाते हो। I'm so sorry baby, वो मैं एक्चुअली वर्कआउट कर रहा था। माना कि तुम वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम प्राची ईरानी को इंतजार करवाओ। I'm sorry भी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा इस मगलर, इस ट्रगलर का घर? छोटा है लेकिन अच्छा है। छोटा? Of course, लंदन में जो मेरा घर है उसके वेस्ट विंग का बिल्कुल आधा है तुम्हारा घर। Really? यकीन नहीं आता, तो चलो मेरे साथ लंदन खुद आके देख लेना। अरे कभी कभी तो हमें इस विंग से उस विंग तक ट्रैवल करने के लिए भी गोल्फ कार्ट में ट्रैवल करना पड़ता है। You know what I mean? तुम मुझे मेरे घर के बारे में पूछते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? हाँ yeah, I'm so sorry. चले? Sure. वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, आराम से। So, what will you have? Cold, hot, or me? I will have mimosa. Mimosa? Yeah, champagne with orange juice. Pata hai mujhe. I have to take this call. Yeah, sure.
ये जगह कितनी सुंदर है, मैं एक सेल्फी खींच लेती हूँ। आप यहाँ से सीधे जाके राइट ले लीजिए, मैं चलूँ आपके साथ। नहीं आप, थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। ये फोटो अगर मैंने फ्रेंड्स बुक पे डाल दिया तो मेरे सारे दोस्त ये सोचकर पागल ही हो जाएंगे कि मैं कुंद्रा मेंशन में हूं। So sorry, baby. वो एक्चुअली एक प्रोड्यूसर का फोन आया था, मुझे अपनी पिक्चर में साइन करवाने थे, पर मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यमला पगला दीवाना किसी और के साथ मूवी नहीं करेगा। तो किसके साथ करेगा? बता दूं? You drink. Thank you. घर में झगड़ा होने की वजह से चाय और खाड़ी तक नसीब नहीं हुई, लेकिन यहाँ देखो आलीशान महल में बैठकर शैंपेन पी रहे। वाह रे किस्मत। Cheers. वैसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे राजबे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहीं हम अपने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन कर रहे? बेबी, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तैयार नहीं है, टाइम लगता है। क्यों? तुमने तो कहा था कि वो सबूत मिलते ही तुम्हारे चाचा जी तुम्हें तुरंत लॉन्च कर देंगे। अब क्या हुआ कि तुम्हारा लॉन्च फिर से डिले हो गया है? और एक बार विन की पिक्चर रिलीज हो जाने दे, उसका तेरी पिक्चर शुरू कर देंगे। अगर ऐसा है ना राजवीर, तो तुम मुझे पहले ही बता दो। हाँ, मैं कल ही जाकर भट्ट अंकल से बात कर लूंगी। इतना ग्लैमरस डेब्यू नहीं होगा, लेकिन डेब्यू तो होगा। ओ कम ऑन बेबी, तुम एक कैसी बातें कर रही हो? बात ये है ना कि चाचा जी अभी कनाडा में और मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। करण भी वही है। ओ, वाओ। वैसे तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम दोनों का लॉन्च पक्का होगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और क्या काम करवाओगे राजवीर? Well, I'm throwing a party. My special guest for the night. चलिए मिस्टर कुंद्रा, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये देख रही हैं आप? ये बात बात पर आप अपनी शर्ट क्यों उतार देते हैं? आपको अपनी नुमाइश करने की आदत है क्या? फिलहाल तो मैं उस नक्शे की नुमाइश कर रहा हूँ जो आपके नाखूनों ने मेरे सीने पे बनाए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे पूरा यकीन है कि आपके ताऊजी ने आपको ये कहावत तो जरूर सुनाई होगी ना। अब आप किसी को तकलीफ देंगे तो कोई आपके ऊपर फूल तो बरसाएगा नहीं, हाँ चोट जरूर पहुंचा सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो ना तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। प्याज, लहसुन, काली मिर्च, हरी मिर्च, इस सबको पीस के उसका लेप बनाइए जाइए। मिस्टर कुंद्रा, मैं यहाँ आपको डांस सिखाने के लिए आई हूँ, आपके लिए चटनी बनाने नहीं। आप मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनती हैं? मैंने चटनी नहीं लेप बोला है, लेप। जो जख्म आपने मुझे दिए है ना उसका रामबाण इलाज है। और दूसरी बात, आप यहाँ 10 दिन के लिए आई हैं, मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए, मतलब 1 दिन के 30,000 रुपए। तो मैं आपसे चटनी बनवाऊं, लेप बनवाऊं, फल उगवाऊं, सब्जी उगवाऊं, सारे काम आपको करने पड़ेंगे मास्टर ने जी। सोच क्या रही हैं? जाइए ना फटाफट लेप बनाइए।
नहीं कौन बेवकूफ अपने जख्मों पर हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का लेप लगाता है। खैर तुझे क्या सिद्धि, लगाने दे। ये विन कुतराला जितना दर्द होगा ना तेरे लिए तो उतना अच्छा है सिद्धि। तू बस फ्रंट रो पर बैठ कर ना इसकी मजे ले। मुझे लगता है मास्टर ने लाइफ में आपने नाचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं सीखा। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी माँ का हाथ नहीं बढ़ाया कभी किचन में। इतनी देर लगती है क्या लेप बनाने में? मिस्टर कुंद्रा, लेप अच्छे से पीसने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अच्छा एक काम करिए, आप इधर आइए, मैं आपके जख्मों पर लेप लगा देती हूँ। क्यों, आप मुझे क्यों लेप लगाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो नुमाइश वाले बदन को छूने का मौका ढूंढ रही हैं? मिस्टर कुंद्रा, आपको अपने आप को लेकर इतनी गलत फहमियां क्यों रहती हैं? मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, आप मेरी मदद कर रही हैं या मेरी तकलीफ को करीब से देखने का मजा लेना चाहती हैं? आप भी ना मिस्टर कुंद्रा, फिर वही गलत फहमी। मुझे गलत फहमी नहीं, पूरा यकीन है, क्योंकि आपने पहले भी मुझे बहुत तकलीफें दी। तो अब तकलीफ देखने की बारी आपकी। अरे हाँ, आपने अभी अभी बोला ना कि आप मेरी मदद करना चाहती है, करना चाहती है ना? तो ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, ये जो चटनी है ना, लेप लेप आप खा लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर कुंद्रा? मैं सच बोल रहा हूँ, आपको ये खाना पड़ेगा। लेकिन ये लेप तो आपके जख्मों के लिए था ना? वही तो बोल रहा हूँ, आपको ये लेप खाता देख के ना मेरे जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। मिस्टर कुंद्रा, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लेप खाने से आपके जख्मों को कैसे आराम मिलेगा? रुक जाइए मास्टरनी जी, मैं इन जख्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन जख्मों की बात कर रहा हूँ जो आपकी जुबान ने मुझे दिए हैं, आपकी बातों ने मुझे और मेरे परिवार को जो घाव दिए, वो घाव आपकी जुबान को सजा देकर ही भर सकते हैं। वाह मास्टरनी, क्या लेप बनाया आपने, तो इसे खाने के लिए हो जाओ तैयार। चलिए टेस्ट करके बताइए कैसे बनी है चटनी। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। आपको खाना तो पड़ेगा ही। नहीं मिस्टर कुंद्रा, मैं आपको अपने साथ ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, मैं नहीं खा सकती है। जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ मैं तो बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, खा लीजिए। और वैसे भी आपने मिसाल सुनी है ना, जैसे को तैसा। चलिए मुंह खोलिए। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। ऐसे कैसे नहीं खा सकती, आप 5 घंटा लेट आई हैं, मतलब आधा दिन बर्बाद कर दिया आपने। उस हिसाब से 15,000 का नुकसान हुआ है, उसकी कीमत तो भरनी पड़ेगी ना। चलिए मुंह खोलिए। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। अरे मुंह खोलिए अपना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। मैं सुकुना, आपको खाना पड़ेगा, ये लीजिए। वो मेरा आज उपवास है। उपवास? किस चीज का उपवास? वो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है ना, और आज मंगलवार है, तो मेरा सिद्धि विनायक का उपवास है, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं खा सकती। झूठ बोल रही है ना, क्योंकि पप्पा के साथ तो आपका 36 का आंकड़ा है। उपवास कहाँ से रख लिया आपने? आंकड़ा है, लेकिन मेरी आई बहुत विश्वास करती है ना सिद्धि विनायक में, तो उन्होंने मुझे बोला उपवास रखने के लिए, और मैं आई की बात कैसे टाल सकती हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं खा सकती। वैसे आप तो खुद ही वो धर्म कर्म वाले इंसान है ना, तो फिर आपको तो पता ही होगा कि किसी का उपवास अगर उसकी मर्जी के बगैर तोड़े तो फिर पाप चढ़ता है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अपनों को भी पाप चढ़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद को तकलीफ में देख सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को नहीं देख सकते। क्यों,
सही कह रही हूँ ना मिस्टर कुंद्रा? नालायक कहीं का, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तेरी हर चुनौती का जवाब देकर रहूंगी, बस देखते जा।